बिटशॉट ने अपनी काफी सारी स्मार्ट वॉच ऑनलाइन देखी होंगी, बट ये नई वॉच लॉन्च हुई है, इसका नाम है सैटन। और दिखने में वॉच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि मैं इसको ऑलरेडी दो दिन से पहन के यूज कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कैसी है वॉच और क्या ये आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फटाफट से चलेंगे वीडियो में। बट पहले खोलते हैं इसका डब्बा। डब्बे आपको देखने को मिलती है मस्त ब्रांडिंग फिटशॉट की, कुछ हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। अगर पैकेज की बात करें तो जैसे आपको टॉप पे दो कार्ड देखने को मिलते हैं, एक है आपका एक साल का वारंटी कार्ड, दूसरा कार्ड आपको मिल जाता है जहां पे मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हो इस वॉच की। साथ में मिल जाती है आपको एक चार्जिंग केबल पोगो पिन वाली, और कूल से स्टिकर्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, ताकि आप कहीं भी अपने रूम वगैरह में इसको चिपका सकते हो, यूज कर सकते हो। आते इस डिवाइस को लेकर, डिवाइस का जो डिजाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकुलर डायल वाली बहुत सारी वॉचेस अपने रिव्यू कर रखी हैं, बट इस डिजाइन का जो लुक है वो फिनिश है वो बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो मेरे पास ये वाला कलर है ना, ये गर्ल्स के ऊपर बहुत ज्यादा सही लगे। वैसे और भी कलर जिनके अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, बट फिलहाल जो मेरे हाथ में कलर है ये प्रायोरिटी वाइज थोड़ा सा गर्ल्स के ऊपर कहीं ना कहीं बेहतर लगता है। और डिजाइन की बात करें तो सिल्वरिश आपको क्रोम देखने को मिलता है पूरा, और ये जो क्रोम है ये मेटालिक है, इसमें पॉलिश कर रखी है इन्होंने। ऊपर टॉप आपको फ्लैट डिजाइन ग्लास देखने को मिलता है, साइड में दो आपको यहाँ पे बटन प्रोवाइड कर रखे हैं, पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपके सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और 22mm के ये जो है स्ट्रैप प्रोवाइड कर रखे हैं, और स्ट्रैप की क्वालिटी जो है वो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, मतलब प्रीमियम फील हो रही है। जो टेक्सचर दे रखा है ना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इसको इंप्रेसिव बनाता है। साथ ही में हाँ, एक और चीज कि अगर आप स्ट्रैप्स निकालना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो ईजिली कर सकते हो, और मार्केट से आप दूसरे लगा सकते हो क्योंकि ये पिन वाला ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन भी आपको वॉच में दे रखा है, तो फिजिकली वॉच बहुत अच्छी लग रही है और स्लिम भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वॉच आपको हेवी लगेगी, और डायल भी बहुत बड़ा नहीं है, तो मतलब मेल फीमेल दोनों इसको इजीली पहन सकते हैं। अब आता है यहाँ पर ना इसके मेन हाईलाइट को लेकर, यानी कि डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पे आपको 1.32 इंच का कॉस्मिक डिस्प्ले देखने को मिलता है, कुछ नया टर्म इन्होंने इसके लिए ऐड कर रखा है, और डिस्प्ले ट्रूली बोलूं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि ब्राइटनेस लो है या कलर्स आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है डिस्प्ले। थोड़ा सा बस ये कि अगर एक्सट्रीम सनलाइट खास सन गिरेगा तो वहां पे हल्का शेड लेना पड़ेगा, बाकी नॉर्मल डेज में ये विजिबल हो जाती है, इसकी ब्राइटनेस मोर देन इनफ आपको मिल जाती है, प्लस ये वेग गेजर के साथ आती है, तो जैसे आप डिस्टर्ब करोगे आपका डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। सर्कुलर डायल वाली वॉच है तो बिल्कुल सेंटर डिस्प्ले आपको दे रखा है, साइड में आपको थोड़े से बेजल्स दे रखे हैं, उस पर भी इन्होंने जो ना मार्किंग कर रखी है टाइमिंग को लेकर। वॉच वैसे IP68 रेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेटर पार्ट हो जाता है, जब आप स्विमिंग पूल वगैरह में वॉच को लेकर जा रहे होते तो ये वॉच वहां पर सर्वाइव कर जाती है, IP67 वाली जो वॉचेस होती है वो सर्वाइव नहीं करती। हाँ, बट इसके साथ भी केयरफुल रहिएगा, अगर बहुत ज्यादा पानी की डेप्थ में जाना, नॉर्मल अगर आप ऊपर स्विमिंग कर रहे हो तो ये वॉच कहीं ना कहीं उसको झेल जाएगी। हाँ, एक और जो बड़ा कंसर्न होता है वो है बैटरी परफॉर्मेंस, ये अप टू 7 डेज ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस क्लेम करते हैं, बट एक्सपीरियंस वाइज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ना, क्योंकि आप कॉलिंग वाला फीचर यूज कर रहे हो, साथ में ब्राइटनेस फुल कर रखी है, वाइब्रेशन फुल कर रखी है, तो अप्रॉक्स आप यहाँ पे 3-4 डेज तक मैक्सिमम जो है वॉच को यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है ये आप पे कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, अगर आप D&D मोड पे ज्यादा यूज कर रहे हो या बैटरी सेविंग मोड पे ज्यादा यूज कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी वॉच की आपको जो बैटरी बैकअप है थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। अब यहाँ पे सेंसर्स पे आप नजर डालोगे तो आपको सारे जो बेसिक सेंसर होते हैं, एसेंशियल सेंसर, वो आपको दे रखे हैं, आपका SPO2 मिल जाएगा, आपको HR मिल जाएगा, और आपका एक्सीलरेटर सेंसर भी जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो हार्डवेयर वाइज तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। अब आते हैं UI वाली चीज को लेके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना बहुत सी वॉचेस में डिसअपॉइंट हो जाता है, पर मुझे पर्सनली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। थोड़ी सी UI आपको डेफिनेटली देखी भी लग सकती है, बट इस वॉच का सही लग रहा है। वही टॉप से स्वैप अप करने में आपको टॉगल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक आपको D&D वाला ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी सेविंग वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, टॉर्च दे रखी है, कार्ड जिसमें ऐड कर सकते हो, तो अगर आपके QR कोड वगैरह आपको ऐड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के, फेसबुक वगैरह के, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे स्वैप करने में तो वही आपके जो यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आ रखी है, मैसेज आ रखे हैं, तो उनको रीड कर सकते हो। राइट साइड से स्वैप करोगे तो आपकी एक्टिविटी, स्लीप कितना किया है, HR कितना है, BP कितना है, वो सारे जो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग है वो आप यहाँ देख सकते हो। अदर साइड से करने पर आपको एक टॉगल और देखने को मिलता है, जो कि आपकी रिसेंट ओपन्स का रहता है, जो भी आपने रिसेंट चीज़ें खोली हैं वो आप देख सकते हो। प्लस आपको मेन्यू में जाने का एक सेंटर में बटन दे रखा है, तो आप मेन्यू में जाके सारे और फीचर्स पे भी एक्सेस ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से UI काफी इफेक्टिव वर्क कर रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, और कहीं ना कहीं स्मूथ परफॉर्मेंस भी दे रही है, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आते हैं यहाँ पे ना फीचर्स वाले पार्ट को लेके, तो फीचर्स के मामले में इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो अब ऑन को जैसे कभी आप बातचीत करना चाहते हो तो इस वॉच को आप डेफिनेटली जो है पहन के बातचीत कर सकते हो। तीनों चीज़ मिल जाती है आपको, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, आपने पसंदीदा कुछ कॉन्टैक्ट्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। डायल पैड भी दे रखा है, तो जैसे कॉन्टैक्ट्स याद होते हैं बस आप डायल पैड से डायल कर सकते हो। कॉल हिस्ट्री वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो जो भी प्रीवियस आपके कॉल्स आए तो वो भी वॉच पे दिख जाते हैं। अब यहाँ पर जो माइक्रोफोन है उसकी परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो उसके लिए अपन चलते हैं बाहर आउटडोर में, टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते ना कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी है।
तो गाइस आप जो आवाज सुन रहे हो आ रही है वॉच के माइक्रोफोन्स और ये वॉच कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देगी जब भी आप कॉलिंग वगैरह के टाइम पे यूज करने वाले हो। कैसा लगा कमेंट कर दो। अब आ जाते हैं हम लोग वॉच पे, यहाँ पे हेल्थ पर्सपेक्टिव वाली चीजों को लेके। तो वॉच में आपको HR, SPO2 और आपका एक्सेलेरोमीटर सेंसर दे रखा है, तो जो आपकी मोशन ट्रैकिंग करता है कितने स्टेप्स आप चले हो। तो ये वॉच में स्टेप काउंटिंग काफी डिसेंट आपको मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है क्लोज टू क्लोज देखने को मिलती है। प्लस HR और SPO2 की जब भी बात आती है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। बट पर्सनली मेरा सजेशन यही रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न रख रहे हैं तो आप प्लीज मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स का यूज करें। ये वॉचेस आपको एक सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती है, तो उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। हाँ, स्लिप मॉनिटरिंग बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे, मतलब दिखाता है कितना मैंने हार्ड स्लिप किया, कितना लाइट स्लिप किया, तो वो एक प्रॉपर ट्रैकिंग मिल जाती। प्लस यहाँ पे आपको स्ट्रेस और बीपी वाली चीज भी प्रोवाइड कर रखी है। अब अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो काफी सारे स्पोर्ट्स मोड वॉच में प्रोवाइड कर रखे, और जब भी एक्टिविटी को लेकर बात आती है तो मेरी सजेशन यही रहा है हमेशा कि अगर आप जब भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप मोड्स को ऑन करके यूज करो, क्योंकि इससे ना आपको प्रॉपर ट्रैकिंग दिखती है कि आपने कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है, तो काम आती है। और ये स्पोर्ट्स मोड कहीं ना कहीं आपके लिए एसेंशियल बन जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर वॉच का कोई बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपका अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, बट कुछ खास फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इस वॉच में आपको कैलकुलेटर वाला फंक्शन प्रोवाइड कर रखा था, ऑन गो जो है कैलकुलेट कर सकते हो सारी चीजें। और यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग भी प्रोवाइड कर रखी है, तो वो भी आप वॉच में यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में आपको टॉर्च वाला फंक्शनलिटी मिल जाती है, इवन फाइंड माय फोन भी मिल जाता है, तो अगर इनके साथ अपने फोन को ढूंढना चाहते हो तो आप वॉच से ढूंढ सकते हो अगर वो कनेक्टेड है। प्लस इसमें ना आपको 8 से भी ज्यादा डिफरेंट थीम्स मिल जाती है, तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और AI वॉइस वाला पार्ट भी इन्होंने ऐड कर रखा है, क्योंकि माइक्रोफोन दे रखे हैं, तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आप अपने असिस्टेंट को वेक करना चाहते हैं, कुछ कमांड वगैरह देना चाहते हैं, तो आप वॉच के थ्रू ही वो सब भी कर पाएंगे। और कैमरा कंट्रोल, एक म्यूजिक कंट्रोल वाली चीज जो काफी लोग पूछते हैं, तो इस वॉच में वो भी आपको दे रखा है। तो अगर ऐसा लग रहा है जिम में ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है, आप गाने वाने सुन रहे हो, तो आप वॉच से ही डायरेक्टली कर पाओगे उसको। बाकी सेटिंग्स में तो वही डिस्प्ले में आप देख सकते हो, तो आपको थोड़े बस ऑटो लॉक वाला देखने को मिल जाएंगे। वॉच फेसेस वगैरह चेंज करना है, क्विक व्यू यानी कि जो आपका वेक गेस्चर उसको ऑन ऑफ करना है। वाइब्रेट की सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा इंटेंस कर दोगे तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है बेहतर मिलता है यहाँ पे, और मुझे काफी इफेक्टिव लगा इसका जो वाइब्रेशन फीडबैक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं इंप्रेस हुआ। DND वाला ऑप्शन दे रखा है। ऑडियो ब्लूटूथ वाली चीज जो है मुझे पसंद लगी, जैसे अगर इनकेस आप है ना कभी कभार वॉचेस में नोटिस करोगे कि अगर आपके फोन में म्यूजिक वगैरह भी प्ले करोगे ना, तो वॉच के स्पीकर में से आते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सुपर सिंक टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है, तो जिसके चलते आप जो है ब्लूटूथ ऑडियो यानी कि अगर आपको कुछ म्यूजिक वगैरह सुनना नहीं है वॉच में से, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, वॉच में ही वो आपको फीचर प्रोवाइड कर रखा है। तो जब भी कॉल आएगा तो सिर्फ कॉल की ही आवाज आएगी, कुछ म्यूजिक वगैरह प्ले करोगे तो उसकी वॉच आपको यहाँ पे वॉच में नहीं आएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज आपको मिल जाती है। अब आते हैं यहाँ पे वॉच फेसेस वाले पार्ट को लेकर, तो वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे इनकी एप्लीकेशन में जो कि है दाफिट। दाफिट पर आप जाओगे तो वही फ्रंट में आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेंटर पेज पे आपने जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कर रखी है उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, थर्ड और फाइनल पेज पे आपको देखने को मिलती है आपकी वॉच फेस वाला सेक्शन। आप बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे, खुद का फोटो वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आपको यहाँ पे एक AI वॉच फेस वाला फीचर देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये एडिट वाले सेक्शन में। अब एडिट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर ना आपको दिखाता है कैमरा वाला ऑप्शन। आप कैमरा वाला ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप अपने एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं, जो भी आपने ड्रेस पहन रखी है या भी आपको कुछ एम्बियंस में कलर पसंद आ रहा है, तो उसका फोटो क्लिक कर लो। फिर आप फोटो क्लिक करने के बाद इसके जनरेट वाले प्रोसेस पे जाओ, धीरे धीरे आपको कुछ जो है वॉच फेसेस यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, क्वालिटी और एंगल्स वगैरह जो है आपको सेट करना हो, वो प्रॉपर फीचर आपको यहाँ पे दे रखा है, जो कि मुझे बड़ा कूल लगा है। जब भी आप कभी बाहर जा रहे हो तो अपने आउटफिट के हिसाब से आप अपनी वॉच पे जो है वॉच फेस लगा सकते हो। इवन आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो जो ऐप की चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, रिमाइंडर्स वगैरह डालना है वो भी कर सकते हो, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वाली चीज को एनेबल करना है, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड करना है, तो सारी सेटिंग जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी कि एप्पल हेल्थ का सपोर्ट भी आपको वॉच में अवेलेबल हो जाता है। अब आते हैं वॉच के फाइनल कंक्लूजन को लेकर, तो प्राइसिंग वॉच की रखिए 1800 रुपये, और 1800 रुपये के प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो कॉम्पिटिशन में बहुत सारी वॉचेस आपको मिल जाती है। बट इस वॉच को पर्सनली मैं क्यों रिकमेंड करूंगा, रीजन पहला जो मुझे लगा है कि वॉच दिखने में काफी यंग फील देती है, कॉमन टाइप की जो वॉचेस आती है उससे थोड़ी सी अलग फील दे रही है, और पर्सनली ये वाला जो कलर है गर्ल्स के ऊपर बहुत से लगेगा, जो बाकी कलर्स हैं वो डेफिनेटली बॉयज भी ट्राई कर सकते हैं, और दोनों पहने की यूनिसेक्स वॉच है तो दोनों पे ही जो है कहना कि वॉच डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगने वाली है। प्लस जो फीचर्स आपको बेसिक चाहिए वो वॉच प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपको वॉच पसंद आई है और अगर आपको चेकआउट करने का मन है तो इसकी लिंक आपको इनसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। ज्यादातर बस ये कहूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई के लिए मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना।
देना और तारा वाला कमेंट कर देना। कमेंट आता ना तो खुशी बढ़ती है, खुशी ऐसे बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो कमेंट कर देना अच्छे वाले। और वही अगर पहली बार चैनल पे आए हो, कंटेंट अच्छा लगा है, क्वालिटी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहेगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।